अंश मम्मा गुड मॉर्निंग मम्मा बोलो ना, पहले फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग बोलो। मम्मी, हाँ ये आपका ससुराल है? हाँ जी, ये मेरा ससुराल है नहीं, और किसका ये है? पहले है ना, दादा और माँ जी का ससुराल था, माजी का ससुराल सेवली है, तो वो यहाँ पे क्यों है? तो हम यहाँ पे आ गए। दादा का भी ससुराल है ये। दादा का तो मायका है, पागल माई का मतलब? मतलब क्या, लड़के थोड़े ससुराल में रहते हैं अच्छा, दादा का घर है, लड़कियां ही तो रहती हैं। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 8:30 और मैं अब भाई करूँगी अपना झाड़ू पोछा, और रियांश अभी उठा था और उसको अभी दूध दे दिया है, वो थोड़ा बहुत खेल रहा है बाहर जाके और अजीब अजीब बातें करते हैं भाई सुबह उठते ही। बच्चे पता नहीं क्या सवाल उनके दिमाग में चलते रहते हैं, कुछ भी पूछने लग जाते हैं उठते ही। और फिर उसके बाद भाई झाड़ू पोछे के बाद अपना 9:30 बज जाएंगे तब तक, और फिर उसके बाद बनाएंगे आज हम आलू के पराठे। मैंने आलू उबाल के रख दिए हैं। नहीं पी रहा जरा बच्चा, ये इतने कुत्ते इकट्ठे कर लिए यहाँ पे, पाट लेंगे तने, ये लगवाओगे फिर सुए तेरे। रियांश देखिएगा, देखो पंजा मार जा, इंजेक्शन भी लगवाने पड़ेंगे फिर। रियांश को भाई कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, इनको ना इनके पीछे घूमता रहेगा सारा दिन। क्या करेगा अब, गिरा दे इसको, अब झूठा हो गया नहीं ये, गिरा दे इसको। ना पागल झूठा पानी ऐसे नहीं करते। दूध, रोटी, बिस्किट, पानी, चार चार चीजें देगा, ठीक है। धर्म दोनों के दो दो, ठीक है। बंद तो कर दे, चल ले जा, मैं कर दूंगी, चल भाग तू यहाँ से, चल। अब आ गए हैं अभी छत पे, है नहीं अंश, छत पे आ गए ना। क्या कर रहा है इसमें, पानी में मत, ये क्या कर रहा है तू, उल्टे उल्टे काम। छत बहुत गंदी हो रही है भाई, 2 महीने 2-3 महीने हो गए झाड़ू लगाए, तो आज सोचे झाड़ू लगा दे, देखो कितनी मिट्टी वगैरह हो रही है। बारिश आएगी तो सारा है ना पाइप में फंस जाएगा, और पाइप में फंस गया तो भाई फिर हमारा ही नुकसान है, तो अपना झाड़ू लगा के जाएंगे आज। यहाँ देखो यहाँ पे मिट्टी हो रही है पाइप के पास, और थोड़ा सा यहाँ पे भी ये पड़े हैं थोड़े तार वार से, इन्हें उठा कर रख देंगे। अरे आज तू क्या करता रहता है बेटा, चिड़िया का पानी है, इसको गंदा कर दिया सारा, देखिए यहाँ पे तो मक्खी भी मक्खी है। हाँ चेंज करना था ना ये, और ये कपड़े कितने गंदे कर लिए। मैं झाड़ू लगा दूँ अभी, इसमें मत घुस तू, ये गंदा पानी है ना, इसको गिरा दे वहाँ से। हाँ तेरे ऊपर भी लगानी पड़ेगी झाड़ू। हाँ तू ही कर देगा सारा काम, कर दे जल्दी, लगा दे झाड़ू, आती है तेरे को लगानी। इतना सारा कूड़ा हो रहा है देख ले, पहले तो बंदर बंदर की पोटी पड़ी है ये। तो अभी ये नीचे साइड में प्लॉट में पापा बैठे हैं, और ये देखो कितना सुंदर ग्रीन ग्रीन सा पेड़ है भाई, बहुत भारा पेड़ है, पूरी छादी है यो। ला बेटा दे दे मेरे को, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, पोटी में हाथ लगा रहा। तो भाई बड़ी मुश्किल से रियांश ने मुझे झाड़ू दिया है, अब झाड़ू लगा के और फिर नीचे जाऊंगी भाई, खाना बनाने का टाइम हो जाएगा हमारा।
आज भी पता है मैंने नीचे है ना पोछा नहीं लगाया और कल लगाऊंगी भाई। आज मैंने छोड़ ही दिया, मैंने सोचा छत पे झाड़ू लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर है ना ज़्यादा काम करते हैं तो कमर दुखने लग जाती है मेरी तो इसलिए मैं ऊपर आ गई थी और झाड़ू लगा के अब नीचे चली जाऊँगी भाई। तो भी झाड़ू लगा के अब मैं आ गई थी नीचे और पराठे बनाने का हो गया टाइम हमारा। और भाई पहले आलू छील के और इनमें अच्छे से मसाले वगैरह मिला के रख दूँ और फिर अपना बनाने लग जाऊँगी भाई। सुबह सुबह भाई ये सोच रही थी कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ क्या सब्ज़ी बनाऊँ, पता नहीं कुछ समझ नहीं आता औरतों को, ये बहुत दिक्कत हो जाती है भाई क्या सब्ज़ी बनाएं। तो मेरे दिमाग में आ गया भी आज आलू के पराठे बनाते हैं और दही के साथ खाने का मन कर रहा था तो मैंने थोड़ी सी दही भी मंगवा ली थी और जो चाय भी बना देती हूँ और मम्मी पापा चाय के साथ खाते हैं तो उनको चाय दे देते हैं भाई। तो अब बनाएँगे आलू के पराठे टेस्टी टेस्टी, आप भी खा लेना भाई। पराठे ऐसी चीज़ है भाई, इसको बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं। और कोई सब्ज़ी बना दूँ ना, जैसे घिया चल रही है अब तो टिंडे तोरी ये चल जाएंगे, तोरी भी चल जाएंगे अब तो चल गई होंगी और मैं मंडी गई तो कई दिन हो गए हैं मेरे को, और घिया और टिंडे तो मैं पिछली बार लेके आई थी और बच्चे उनको खाते ही नहीं है, उनको कितना ही बोल दो वो नहीं खाएंगे और पराठे वगैरह तो खुश होकर खा लेंगे। फ्रेंड्स काम करने के बाद मुझे और तन्वी को जाना भी मार्केट में, उसको बैग भी लेके आना है और अपनी बुक्स लेके आनी है क्योंकि एनसीईआरटी की लगेगी ना तो अब की बार उनको स्कूल से नहीं मिलेंगी, अब हम जाएंगे मार्केट। तो सबसे पहले अब हम मार्केट में आ चुके हैं भैया और सबसे पहले हमने सोचा प्लेट ले लें भाई, प्लास्टिक वाली जो कन्या बिठानी है ना आठम की कढ़ाई करेंगे तो उसके लिए प्लेट चाहिए थी, प्लेट ख़त्म हो गई थी घर पर तो वो लेने आए थे अब यहाँ पर। अब तन्वी को भी दिख गए हैं वो जो छोटी छोटी गोली आती है ना और जेली वगैरह ये रखता है भाई, और यहाँ पे बोल रही है मम्मी मुझे ये दिलवा दो वो दिलवा दो, देखो ये क्या लेगी जेली तो लेगी ज़रूर, इसको बहुत पसंद है। तो तन्वी ने भी अपने लिए जेली ले ली और ये जो गोलियाँ से दिख रही है ना एक पैकेट ये वाला लिया है और काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे आइटम रखते हैं ये बिल्कुल कलरफुल। और अब साइड में तन्वी बोली मम्मी मुझे कान के टॉप्स वगैरह भी दिलवा दो और ये एक बैंड है जो हाथ में पहनते हैं ये पसंद आ गया इसको। पूरे बाजार में है ना भी कन्या पूजन का जो सामान है ना वही रखा हुआ है पूरे बाजार में क्योंकि अठम की और नौमी की कढ़ाई होगी ना, सब कुछ ना कुछ कोई प्लेट वगैरह कोई कुछ बच्चों के लिए कुछ चीज़ खरीदेंगे। तो हम वही शॉप पे घुस गए थे और हमने क्या लिया वो हम आपको अठम पे ही दिखाएंगे बच्चों के लिए क्या देंगे। तो भाई ये वाली शॉप है भाटिया के बिल्कुल सामने और यहीं पर आते हैं हम, यहाँ पर है ना रियांश के सैंडल लेके गई थी मैं और वो छोटे चले गए इसलिए आए हैं चेंज करवाने। तो और शॉपिंग जो करनी थी भाई वो हमने कर ली है और अब लास्ट में आ गए हैं तन्वी का बैग लेने के लिए और तन्वी अपना बैग पसंद कर रही है, ब्लैक ब्लू कलर का मांग रही है वो और भैया दिखा रहे हैं। ठीक है यही था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना भाई और लाइक कर दिया करो सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है बाय बाय फ्रेंड्स, फ्लैश लाइट चल रही है।